हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। सबसे पहले ध्यान देना भाई, मैंने पांचवा वीडियो दिया था वर्णपट के बारे में। वर्णपट के बारे में बताया था, श्वेत प्रकाश के बारे में बताया था। आज मैं वर्ण के बारे में बताऊंगा। वर्ण जिसे हम लोग कहते हैं रंग, आज हम लोग चर्चा करेंगे वर्ण का। बच्चों आज हम लोग चर्चा करेंगे वर्ण का कि आखिर वर्ण है क्या। सबसे पहले ध्यान देना, वर्ण बच्चों कहता है कि आखिर ये आपका वर्ण है क्या। तो सबसे पहले ध्यान देना कि वर्ण, वर्ण का मतलब रंग। किसी भी पदार्थ का कोई अपना रंग या कोई अपना कलर नहीं होता। किसी भी पदार्थ का कोई अपना वर्ण या कोई अपना रंग नहीं होता। जो पदार्थ जिस रंग को परावर्तित कर देता है वो पदार्थ उसी रंग का दिखता है। जो पदार्थ जिस रंग को परावर्तित कर देता है वो पदार्थ उसी रंग का दिखता है। जैसे मान के चलिए कि कहीं पर अगर लाल दिख रहा है, तो आपको मैंने बताया था कि श्वेत प्रकाश की किरणें सात रंगों का मिश्रण होता है। बच्चों मैंने आप लोग को बताया था कि श्वेत प्रकाश की किरणें सात रंगों का मिश्रण होता है। तो अगर कोई श्वेत प्रकाश की किरणें उस वस्तु पर पड़ा और वस्तु पर पड़ने के बाद तो वस्तु तो सातों रंग पर पड़ा। वो जो वस्तु है उस वस्तु पर सातों रंग पड़ा और सातों रंग में से लाल रंगों को परावर्तित कर दिया। लाल रंगों को वो क्या किया, परावर्तित कर दिया, इसलिए वो लाल रंग दिखा। कौन सा रंग दिखा, लाल रंग दिखा। पीले रंग को परावर्तित कर दिया इसलिए पीला दिखा। हरे रंग को परावर्तित कर दिया इसलिए हरा दिखा। इसका मतलब ये है कि जो पदार्थ जिस रंग को परावर्तित कर देता है वो पदार्थ उसी रंग का दिखता है। जो पदार्थ जिस रंग को परावर्तित कर देता है वो पदार्थ उसी रंग का दिखता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पदार्थ के पास कोई अपना रंग या कलर नहीं होता। जो पदार्थ जिस रंग को परावर्तित करेगा वो उसी रंग का दिखेगा। जैसे लाल रंग को परावर्तित किया तो लाल दिखा, हरे रंग को परावर्तित किया हरा दिखा, वो पीले रंग को परावर्तित किया पीला दिखा, और जो पदार्थ सभी रंगों को अवशोषित कर लिया वो काला दिखेगा, और जो पदार्थ सभी रंगों को परावर्तित कर दिया वे श्वेत दिखेगा। क्यों, क्योंकि श्वेत प्रकाश की किरणें सात रंगों का मिश्रण होता। तो जब किसी कोई पदार्थ अगर श्वेत प्रकाश की किरणें को मतलब सातों रंगों को परावर्तित कर दिया तो वह श्वेत दिखेगा। कैसा दिखेगा, श्वेत दिखेगा। तो मैं वर्ण के बारे में बता रहा हूं कि किसी भी पदार्थ का कोई अपना रंग या कोई अपना कलर नहीं होता। जो पदार्थ जिस रंग को परावर्तित कर देता है वो पदार्थ उसी रंग का दिखता है। जैसे लाल रंग का दिखा इसका मतलब लाल को परावर्तित किया, हरे रंग का दिखा हरे को परावर्तित किया, पीले रंग का दिखा पीले को परावर्तित किया। कहने का मतलब कि जो पदार्थ जिस रंग को परावर्तित करेगा वो उसी रंग का दिखेगा। ये वर्ण है। आपको मैं बता दूं कि वर्ण, वर्ण जिसे कलर कहते हैं, वर्ण अनेक प्रकार का होता है। मैं बता दूं छोटा कि वर्ण अनेक प्रकार का होता। जैसे एक आता है प्राथमिक वर्ण, जैसे दूसरा है कि द्वितीयक वर्ण, द्वितीयक वर्ण, और तीसरा है संपूरक वर्ण। हाँ, वर्ण तो कितने अनेक प्रकार के होते हैं छोटा, उसमें से मैं दो तीन का बता रहा हूं, संपूरक वर्ण। तो ध्यान देना छोटा, ऐसे तो मुख्य रूप से ये आपका दो की है चर्चा करूंगा। मुख्य रूप से मैं ये आपका दो की चर्चा करूंगा। जैसे प्राथमिक वर्ण जिसे कहते प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, तो प्राथमिक वर्ण और द्वितीयक वर्ण। तो आपको मैं बता दूं कि आज प्राथमिक वर्ण क्या है। कहता है प्राथमिक वर्ण, सबसे पहले ध्यान देना बच्चों कि आखिर प्राथमिक वर्ण क्या है। प्राइमरी कलर, कौन कलर, प्राइमरी कलर, प्राथमिक वर्ण क्या है। तो ध्यान देना मेरे बच्चों, प्राथमिक का मतलब होता प्राइमरी। जिस पदार्थ से लेकर आप जानते हो प्राथमिक वर्ण, जिस वर्ण से अन्य सभी वर्ण का निर्माण होता है, प्राथमिक वर्ण को ही हम लोग कहते हैं आधारिक वर्ण। प्राथमिक वर्ण को ही हम लोग कहते हैं आधारिक
वर्ण, प्राथमिक वर्ण को ही हम लोग क्या कहते हैं, आधारिक वर्ण कहते हैं, आधारिक वर्ण के नाम से जानते हैं। तो ध्यान देना मेरे बच्चों, प्राथमिक वर्ण, आधारिक वर्ण। तो कहता है कि आखिर प्राथमिक वर्ण क्या है, जिन वर्णों से अन्य सभी वर्ण का निर्माण होता, जिन वर्णों से अन्य सभी वर्ण का निर्माण होता उसे प्राथमिक वर्ण कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्राथमिक वर्ण एक ऐसा वर्ण है कि बिना प्राथमिक वर्ण का कोई भी वर्ण बनना संभव नहीं है। जब तक कि प्राथमिक वर्ण नहीं रहेगा तब तक कोई वर्ण नहीं बनेगा। तो जिन वर्णों से अन्य सभी वर्ण का निर्माण होता है उसे हम प्राथमिक वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों से अन्य सभी वर्ण का निर्माण होता है उसे हम प्राथमिक वर्ण कहते हैं। कौन वर्ण कहते हैं? प्राथमिक वर्ण कहते हैं बच्चों। तो एक प्राथमिक वर्ण है बच्चों, सबसे पहले ध्यान देना कि आखिर प्राथमिक वर्ण के बारे में बताया कि प्राथमिक वर्ण को ही हम आधारिक वर्ण कहते हैं। कौन वर्ण? आधारिक वर्ण, क्योंकि प्राथमिक वर्ण से ही अन्य सभी वर्ण का निर्माण होता है। जैसे कहता है कि प्राथमिक वर्ण में आता है लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला। तो कहता है छोटा, सबसे पहले ध्यान देना कि लाल, हरा और नीला, तो लाल, हरा और नीला जो है वो तो प्राथमिक वर्ण है। लाल, हरा और नीला कौन वर्ण है? प्राथमिक वर्ण। तो प्राथमिक वर्ण तो लाल, हरा और नीला, जितने भी वर्ण को बनाओगे उसमें प्राथमिक वर्ण, चाहे लाल रहे, चाहे हरा रहे, चाहे नीला रहे, इसमें ये तीनों में से किसी एक रंग की आवश्यकता पड़ती है। तो प्राथमिक वर्ण कहता है कि जिन वर्णों से अन्य सभी वर्ण का निर्माण होता है, जिन वर्णों से अन्य सभी वर्ण का निर्माण होता है उसे हम प्राथमिक वर्ण कहते हैं। जैसे लाल, हरा, नीला। तो लाल, हरा और नीला ये प्राथमिक वर्ण है, प्राइमरी कलर है। बिना ये तीनों कलर का कोई भी कलर बनना संभव नहीं है, है ना। ये प्राथमिक वर्ण लाल, हरा, नीला में से कोई भी रंग बनाओ, एक ना एक वर्ण को उसमें शामिल करना अति आवश्यक होगा। तो प्राथमिक वर्ण हो गया बच्चों कि जिन वर्णों से अन्य सभी वर्ण का निर्माण होता उसे प्राथमिक वर्ण कहते हैं। वो प्राथमिक वर्ण को ही हम आधारिक वर्ण कहते हैं। क्यों? क्योंकि यही वर्ण से अन्य सभी वर्ण का निर्माण होता है। वर्ण, वर्ण मतलब हम बताए रंग बच्चों, ध्यान देना। अब आता है छोटे द्वितीयक वर्ण। प्राथमिक वर्ण के बाद आता है आपका द्वितीयक वर्ण। कहता है द्वितीयक वर्ण, द्वितीयक वर्ण बोले तो सेकेंडरी कलर। द्वितीयक वर्ण को इंग्लिश में कहते हैं सेकेंडरी कलर। ध्यान देना कि जी आप जानते हो छोटा कि द्वितीयक वर्ण कहता है कि दो प्राथमिक वर्णों के मेल से जिस वर्ण का निर्माण होता उसे द्वितीयक वर्ण कहते हैं। दो प्राथमिक वर्णों के मेल से जिस वर्ण का निर्माण होता, तो दो प्राथमिक वर्ण कौन वर्ण? दो प्राथमिक वर्ण। तो दो प्राथमिक वर्णों के मेल से जिस वर्ण का निर्माण होता है, दो प्राथमिक वर्णों के मेल से जिस वर्ण का निर्माण होता है उसे हम द्वितीयक वर्ण कहते हैं। कौन वर्ण कहते? द्वितीयक वर्ण कहते। इसी को हम द्वितीयक वर्ण के नाम से जानते हैं। जैसे कहता है द्वितीयक वर्ण सेकेंडरी कलर, तो दो प्राथमिक वर्ण के मेल से अगर दो प्राथमिक वर्ण को मिलाओ, दो प्राथमिक वर्ण को मिलाओ तो द्वितीयक वर्ण का निर्माण होगा। तो जिन दो प्राथमिक वर्णों के मेल से जिस वर्ण का निर्माण होता है उसे हम द्वितीयक वर्ण कहते हैं। द्वितीयक वर्ण से मेरा मतलब है कि जैसे कहता है पीला, कहता है मैजेंटा और कहता है श्याम। पीला, मैजेंटा और क्या? श्याम। तो पीला, मैजेंटा और श्याम, पीला, मैजेंटा और श्याम को ही हम कहते हैं द्वितीयक वर्ण। कौन वर्ण कहते हैं? द्वितीयक वर्ण। पीला, मैजेंटा और श्याम, पीला, मैजेंटा और श्याम। तो पीला, मैजेंटा और श्याम तीनों वर्णों को हम कहते हैं द्वितीयक वर्ण। पीला द्वितीयक वर्ण है, मैजेंटा द्वितीयक वर्ण है, श्याम द्वितीयक वर्ण है। तो याद रखना बनता कैसे, मैंने अभी भी परिभाषा बताया कि दो प्राथमिक वर्णों के मेल से जिस वर्ण का निर्माण होता उसे द्वितीयक वर्ण कहते। तो मिलाइएगा ना, तो मिलाइए।
जैसे कहता है कि अगर लाल और हरा को मिला दें तो ये आपका पीला बनेगा। फिर अगर कहता है कि लाल और नीला को मिला दें तो आपका मैजेंटा बनता है, और अगर आप हरा और अगर आप नीला को मिला दें तो स्यान बनता है। क्या बनता है? स्यान। पीला, मैजेंटा और स्यान। तो लाल और हरे को मिलाया तो दो वर्ण है, दो प्राथमिक वर्ण है, ये भी दो प्राथमिक वर्ण है, ये भी दो प्राथमिक वर्ण है। तो दो प्राथमिक वर्णों के मेल से जिस वर्ण का निर्माण होता है उसे कहते हैं द्वितीयक वर्ण। जैसे पीला, मैजेंटा और श्याम, ये आपका द्वितीयक वर्ण है। पीला, मैजेंटा और श्याम कैसा वर्ण है? द्वितीयक वर्ण है, ये आपका द्वितीयक वर्ण शो करता है। तो याद रखना बच्चों कि लाल और हरा मिलाएगा तो पीला, लाल और नीला मिलाएगा तो मैजेंटा, लाल और हरा और नीला मिलाएगा तो श्याम। तो पीला, मैजेंटा और श्याम द्वितीयक वर्ण हो गया। बच्चों अगला कहता है संपूरक वर्ण। अगला कहता है संपूरक वर्ण। तो सबसे पहले ध्यान देना कि आखिर संपूरक वर्ण है क्या। बच्चों ध्यान देना कि आखिर संपूरक वर्ण है क्या, ये संपूरक वर्ण के नाम से हम क्या जानते हैं। तो ध्यान देना, संपूरक वर्ण कौन वर्ण? संपूरक वर्ण। तो सबसे पहले ध्यान देना मेरे बच्चों कि आखिर ये जो आपका संपूरक वर्ण है, ये वास्तविक में संपूरक वर्ण आपका क्या है। तो सुनिए, जिन दो वर्णों के मेल से श्वेत वर्ण का निर्माण होता है, यदि जिन दो वर्णों के मेल से श्वेत वर्ण का निर्माण होता है उसे संपूरक वर्ण कहते हैं। जिन दो वर्णों के मेल से, चाहे कोई भी दो वर्ण मिले और दो वर्ण मिलकर हमें श्वेत वर्ण बना दे, हमें कौन वर्ण बना दे? श्वेत वर्ण। तो जिन दो वर्णों के मेल से श्वेत वर्ण का निर्माण होता है उसे हम संपूरक वर्ण कहते हैं। कौन वर्ण कहते? संपूरक वर्ण कहते हैं। जैसे कि कहता है आपका कि लाल और प्लस अगर श्यान मिला, लाल और श्यान मिला दीजिए बन जाएगा आपका श्वेत। लाल और श्यान मिला दीजिएगा बन जाएगा आपका श्वेत। फिर आप क्या करें कि हरा, आप क्या करें हरा और प्लस आप मिला दें क्या, हरा और मैजेंटा, हरा और मैजेंटा, हरा और मैजेंटा मिला दें तो क्या बनेगा? श्वेत। अगर आप मिला दें आपका पीला और मिला दें नीला, तो पीला और नीला भी मिलाएं तो बन जाएगा क्या? श्वेत। यहाँ देखने को क्या मिल रहा है? यहाँ देखने को मिल रहा है कि लाल और श्यान मिलाए तो श्वेत, हरा और मैजेंटा मिलाए तो श्वेत, पीला और नीला मिलाए तो श्वेत। जिन दो वर्णों के मेल से, जिन दो वर्णों के मेल से श्वेत वर्ण का निर्माण होता उसे संपूरक वर्ण कहते हैं। जिन दो वर्णों के मेल से श्वेत वर्ण का निर्माण होता है उसे संपूरक वर्ण कहते हैं। तो ध्यान देना, लाल और श्यान मिलाएगा श्वेत, हरा मैजेंटा मिलाएगा श्वेत, पीला नीला मिलाएगा श्वेत। तो हमको देखने को क्या मिल रहा है? तो एक प्राथमिक वर्ण और एक द्वितीयक वर्ण। तो जब एक प्राथमिक और एक द्वितीयक मिला तो क्या बनाया? श्वेत रंग बनाया। क्या बनाया? श्वेत रंग बनाया। हरा और मैजेंटा मिलाया तो क्या बनाया? श्वेत वर्ण मिलाया। पीला और नीला मिलाया तो क्या बनाया? श्वेत वर्ण। मतलब ये हुआ कि एक प्राथमिक वर्ण और एक द्वितीयक वर्ण को जब मिलाया गया तो श्वेत वर्ण का निर्माण हुआ। किस वर्ण का निर्माण हुआ? श्वेत वर्ण का निर्माण हुआ। इसी को संपूरक वर्ण कहते। तो जिन दो वर्णों के मेल से श्वेत वर्ण का निर्माण होता उसे संपूरक वर्ण कहते हैं। यही कहता है आपका वर्ण। मैंने आपको बताया कि जो पदार्थ सभी रंगों को अवशोषित कर लेता वो काला होगा, और जो पदार्थ सभी रंगों को परावर्तित कर देगा वो आपका श्वेत होगा, सफेद होगा, यही कहता है। आप जानते हैं लाल फूल हरे प्रकाश में काला दिखता है, लाल फूल हरे प्रकाश में काला दिखता है, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। लेकिन कोई पूछे कि लाल फूल हरे प्रकाश में काला क्यों दिखता, दो नंबर का, तो आइए बताते हैं। लाल फूल हरे प्रकाश में काला इसलिए दिखता है क्योंकि लाल फूल हरे प्रकाश को अवशोषित कर लेता है।
लाल फूल हरे प्रकाश में काला इसलिए दिखता है क्योंकि लाल फूल हरे रंग को अवशोषित कर लेता है और अपने में मिला लेता, इसीलिए लाल फूल हरे प्रकाश में काला दिखाई देता है। तो बच्चों आज का वीडियो इतना ही, मैं आप लोगों को अगले शायद छठा या सप्तमा वीडियो में मैं आपको दूंगा छोटा। अब दो तीन वीडियो में चैप्टर आपका खत्म, दो वीडियो में चैप्टर आपका क्या हो जाएगा खत्म। धन्यवाद बच्चों।